हाँ जी, हाँ जी, अरे मुरली कट किसका है? कैसे वेदांग भाई जी का है ना? आएंगे वो 5 मिनट में? ग्यारह ठीक है, तब तक वंदना दीदी जी सूर्य आप हूँ करा मैं, देंगे योग। अपने प्रकृति रूपी सिंहासन पर चमक रही हूँ। मुझात्मा से शक्तिशाली ज्ञान की किरणें निकल रही हैं, महसूस कीजिएगा। और मेरी संपूर्ण देह में समा रही है। अब मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया को छोड़कर चली जाती हूँ अपने पिता सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य शिव बाबा के पास। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा आ गई हूँ परम धाम में। अपने पिता के पास उनका तेजस्वी स्वरूप कितना सुंदर है। बाबा के सूक्ष्म स्वरूप से शक्तिशाली लाइट निकल रही है। बाबा की एक-एक शक्तिशाली किरण बहुत पावरफुल है, जैसे सूर्य के समीप जाते ही हर वस्तु जल के नष्ट हो जाती है। सूर्य की पावरफुल किरणों से हर प्रकार के कीटाणु जीवाणु सहज ही समाप्त हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से अंधकार समाप्त होकर प्रकाश फैल जाता है। ठीक इसी तरह मैं आत्मा भी अनुभव कर रही हूं। परमात्म शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा के अंदर से अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में व्याप्त एक एक विकार के कीटाणुओं को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर रहा है।
मैं आत्मा पूरी तरह बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हूं। मैं अनुभव कर रही हूं बाबा की शक्तिशाली किरणों को। बाबा के तेज से मैं आत्मा पवित्र हो रही हूं। मेरे तमो प्रधान संस्कार नष्ट हो रहे हैं। मैं अनुभव कर रही हूं जैसे धधकती आग में किसी चीज को डाल दिया जाए। तो कुछ ही सेकंड में वो नष्ट हो जाती है, जलकर राख हो जाती है। वैसे मैं आत्मा भी ज्ञान सूर्य के समीप आते ही अपने अंदर के समस्त विकारों के अंश वंश को बहुत तीव्र गति से नष्ट होते देख रही हूं। मैं अनुभव कर रही हूं बाबा के शक्तिशाली स्वरूप से जो तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है वो मुझ आत्मा के अंदर से एक एक विकार को नष्ट कर रहा है। मैं आत्मा हल्की होते जा रही हूं। पाप कर्मों के बोझ से मुक्त हो रही हूं। मुझ आत्मा को बहुत हल्कापन फील हो रहा है। मैं बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हूं। बाबा मुझ आत्मा में अपना गुणों और शक्तियों का प्रकाश भर रहे हैं।
मैं भी गुणों के सागर शिव बाबा की तरह गुणों से भरपूर हो चुकी हूँ। अब मैं आ जाती हूँ वापस अपनी देह में और परमात्म शक्तियों को पूरी देह में फैला रही हूँ। शरीर के रोम रोम में ईश्वरीय शक्तियाँ समा चुकी हैं। मेरा शरीर भी रोग मुक्त हो चुका है, शक्तिशाली बन चुका है। मुरली, जो कल हमने मुरली पढ़ी जिम्मेवारी के फायदे, तो आज बाबा ने दूसरी मुरली चलाई कि ताज तिलक और तख्त नशीन बनने की विधि। देखो 26 को बाबा आए और फिर 4 दिन के बाद ही बाबा ने दूसरी मुरली चलाई। तो हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होके मुरली पढ़ेंगे। बाप दादा सभी बच्चों को देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हर एक को नंबरवार ताज व तख्त नशीन देख रहे थे। आप अपने को ताज व तख्त नशीन देख रहे हो? कितने प्रकार के ताज है और कितने प्रकार के तख्त है? देखो आज बाबा ने क्वेश्चन पूछा है कि कितने प्रकार के ताज है और कितने प्रकार के तख्त है। तो किसी ने जवाब दिया कि 21 जन्मों के 21 ताज। अभी कोई ताज है कि सिर्फ 21 ताज ही दिखाई देते हैं? अभी का ताज ही अनेक ताज धारण कराता है। देखो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, अभी का ताज। तो अब अपने आप को ताजधारी देखते हो? कितने ताज धारण किए हैं? अनगिनत। पांडव सेना को कितने ताज दे? 2 शक्तियों को अनेक और पांडवों को 2 शक्तियों को और पांडवों को 2। अगर अभी ताज धारण नहीं करेंगे तो भविष्य के ताज कैसे मिलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस समय सभी बच्चों को ताज व तख्त नशीन बनाते हैं। बाबा स्वयं हमें ताज व तख्त नशीन बनाने के लिए आया है। तख्त नशीन अगर है तो ताजधारी भी होंगे। जैसे राजा है, तख्त पर बैठा है, तो ताज ऑटोमेटिक आता है। तख्त कितने प्रकार के हैं? अभी दिल के तख्त नशीन और अकाल तख्त नशीन तो हो ही। जैसे अकाल तख्त नशीन हो तो पीरिटिका लाइट का ताज भी अभी ही धारण करते हो, और दिल के तख्त नशीन होने से, सेवाधारी बनने से जिम्मेवारी का ताज भी धारण करते। देखो बाबा के दिल के तख्त नशीन है, माना सेवाधारी है, तो ऑटोमेटिक बाबा ने क्या कहा कि जिम्मेवारी का ताज। तो हर एक अपने को देखो कि दोनों ही तख्त नशीन और दोनों ही ताजधारी कितना समय रहते हैं। चेकिंग के लिए बाबा ने पॉइंट दिया है कि ताज और तख्त मिला तो सबको है, लेकिन कोई कितना समय ताज व तख्त नशीन बनते हैं। प्योरिटी का ताज तो है ही, लेकिन बाबा ने क्या कहा, अकाल तख्त नशीन। ये हर एक का अपना पुरुषार्थ है कि कितना समय ताज धारण करना, कितना तख्त नशीन बनना। कईयों को स्थूल ताज भी धारण करने का अनुभव कम होता है,
होता है ना, थोड़ा कुछ धारण करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सिर पर कुछ भारी है, तो उतार देंगे, इसलिए बाबा ने क्या कहा, बार बार उतार देते हैं। लेकिन यह ताज और तख्त तो ऐसा सहज और सरल है जो हर समय ताज व तख्त नशीन, ताज व तख्तधारी बन सकते हो। जब कोई तख्त नशीन होता है तो तख्त पर उपस्थित होने से राज कारोबार भी उसके ऑर्डर पे चलते हैं। पहली निशानी, तख्त पर है माना सब कार्य जो कर्मचारी है उनके ऑर्डर पर चलते हैं। अगर तख्त छोड़ेंगे तो वह कारोबारी उसके ऑर्डर में नहीं चलेंगे। तो ऐसे आप जब ताज व तख्त छोड़ देते हैं तो यह कर्मेंद्रिया आपका ही ऑर्डर नहीं सुनती। तो बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात कही कही कि ताज व तख्त नशीन छोड़ देते हैं तो यह कर्मेंद्रिया ही आपके ऑर्डर नहीं सुनती है। तो जब तख्त नशीन होते हैं तो यह कर्मेंद्रिया जी हुजूर करती है। तो बाबा की ये जो मुरली चली है इसमें कितनी गहरी बात है, कर्मेंद्रिया भी जी हुजूर, जी हाजिर करनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा तख्त नशीन बनो, बाबा के दिल तख्त नशीन बनो। इसलिए सदैव ध्यान यही रखना कि ताज व तख्त कभी छूटे ही नहीं। अपने ताज व तख्त नशीन का संपूर्ण चित्र सदैव याद रखो। भविष्य में भी हम क्या है, देखो ना बाबा कई बार कहते ना कि भविष्य का भी चित्र है, उनको याद रखने से अनेक चित्र जो बन जाते हैं वह नहीं बने। उनको याद रखने से अनेक चित्र माना सारा दिन भर में कभी मूड ऑफ हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, वो नहीं होगा। हर एक एक दिन के अंदर ही हर एक के भिन्न भिन्न रूप बदलने के चित्र दिखाई देते हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा, अपना एक संपूर्ण चित्र सामने रखो, कौन सा, ताज व तख्त नशीन बनने से निशाना व नशा स्वतः ही रहेगा कि मुझे क्या बनना है। होता है ना, छोटे बच्चे भी कभी कभी क्या क्या करते हैं कि उनको कुछ ऐसे पहनने के लिए दिया ना तो कभी उतारते ही नहीं, उनको बहुत नशा आता है। तो बाबा भी क्या बोलते हैं कि ये ताज और तख्त नशीन भी आप हमेशा बन कर रहो, क्योंकि ताज और तख्त ही नशा और निशाने याद दिलाने वाला है। तो अपना ताज और तख्त कभी भी नहीं छोड़ना, जितना हो सके बाबा ने उसको कहा है कि छोड़ो ही नहीं। जितना जितना अब ताज व तख्त धारण करने के अनुभवी व अभ्यासी बनेंगे उतना वहां भी माना सतयुग में भी इतना समय ताज व तख्त धारण करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ हम कितने धारण करते हैं, अगर बार बार माया के अधीन होते हैं, माया से हार खाते हैं, माना ताज तख्त को उतार देते हैं, तो वहां पर भी क्या होगा, अल्पकाल के लिए होगा ना। तो बाबा ने क्या कहा, अगर अभी अल्प समय ताज व तख्त नशीन बनते तो वहां भी बहुत थोड़ा समय ताज व तख्त पर प्राप्त कर सकेंगे। अभी का अभ्यास हरेक का अपना भविष्य साक्षात्कार करा रहा है। अभी का अभ्यास, अभी सिर्फ दूसरों को ताज व तख्त नशीन देखते हुए खुश होते रहेंगे तो वहां भी केवल देखते रहना पड़ेगा। देखो बाबा कितनी बड़ी बात करें कि हम केवल देखते हैं ना कि देखो इनको ताज पहनाया तख्त नशीन, लेकिन बाबा ने कहा वहां नहीं, बाबा ने कहा स्वयं भी ऐसा बनो। इसलिए सदा काल के लिए ताज व तख्त नशीन बनो, ऐसा ताज व तख्त फिर कब मिलेगा, स्वयं भगवान बोल रहा है।
कब मिलेगा ऐसा बाबा के दिल का तख्त नशीन, कब मिलेगा ये पिरिटी का लाइट का ताज, कब मिलेगा सारा कल्प में कब मिलेगा, अभी ही मिलेगा ना, कल्प के बाद अभी ही मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। घर बैठे कोई ताज व तख्त देने आए तो क्या करेंगे, बाबा ने तो सीधा जवाब बता दिया कि घर बैठे कोई ताज व तख्त देने आए तो क्या करेंगे, बाप भी अभी आत्माओं के घर में मेहमान बनाए, घर बैठे ताज व तख्त की सौगात देने आए। देखो बाबा स्वयं परमधाम से केवल मेरे लिए सौगात लेकर आया है, तो ताज व तख्त को छोड़ कहाँ चले जाते हो मालूम है, माया का कोई निवास स्थान है, आप बेसर्वव्यापी कहते हो ना, वह आप लोगों के सिवाय और सभी जगह है। आपने 63 जन्मों में कितनी बार माया को ठिकाना दिया होगा, माया को अपने घर में दिया, तो ये बाबा क्यों बता रहे हैं कि अभी देखो माया को घर में ठिकाना दिया तो उसका परिणाम कितनी बार देखा होगा, अभी भी इस कलयुग के लास्ट जन्म में भी हमने कितनी बार माया को ठिकाना दिया होगा, तो परिणाम क्या हुआ, जो बहुत बार के अनुभवी फिर भी वही बात करेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे दिखाते हैं ना कि ताज व तख्त छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तो यहाँ भी कांटों के जंगल में चले जाते हैं, कहा तख्त और कहा कांटों के जंगल, क्या पसंद है बाबा। ये देख बाबा ये बातें क्यों बता रहे, थोड़ा उसके पीछे राज क्या है, क्योंकि बाबा हमें स्वयं बोल रहे कि बच्चे मैं आया हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ, मुझे अपना लो, मुझे अपने दिल में बसा लो, मेरा यूज करो, इतनी सारी बाबा बातें बता रहे, मेरे साथ सर्व संबंधों का अनुभव करो, इतनी सारी बातें बाबा बताते, लेकिन हम क्या करते हैं, व्यर्थ में सब में चले जाते हैं, पर चिंतन पर दर्शन, तो इससे क्या होता है, बाबा कहते हैं कांटों के जंगल में, कहाँ तक और कहाँ कांटों का जंगल, क्या पसंद है, जैसे कोई भक्त व श्रृंगार करने वाले नियम प्रमाण नहा धोकर अपने मस्तक पर तिलक जरूर लगाते हैं, भक्ति मार्ग में हमने देखा ना नहाने के बाद तो भस्म वगैरह सब कुछ लगाते हैं ना, श्रृंगार के कारण भक्ति के कारण और सुहाग के कारण भी तिलक लगाते हैं ना, तो ऐसे ही अमृत वेले तुम अपने को ज्ञान स्नान कराते हो, अपने को ज्ञान से सजाते हो, तो अमृत वेले वैसे यह स्मृति का तिलक देना चाहिए, लेकिन अमृत वेले यह स्मृति का तिलक देना भूल जाते हो, अगर कोई तिलक देते भी हो तो फिर मिटा भी लेते हैं, इसलिए जैसे कईयों को आदत होती है कि बार बार मस्तक को हाथ लगाकर तिलक को मिटा देते हैं, अभी अभी तिलक देंगे, अभी अभी मिटा देंगे, ऐसी भी यह बात है, कोई को तिलक देना भूल जाता है, कोई देते हैं फिर मिटा देते हैं, ये बाबा क्यों बताते हैं, क्योंकि अमृत वेले हम बाबा कितनी बार हमें श्रृंगार करते हैं कि ये मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिक्किलदे बच्चे, मेरे विश्व के कल्याणकारी बच्चे, ऐसे कितनी सम्मान देते, लेकिन हम पूर्वज आत्माएं पूज्य आत्माएं सारे विश्व को सकाश, तो ऐसे बाबा कितने अच्छे अच्छे हमें सम्मान देते, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको मिटा देते, तो लगाना और मिटाना दोनों ही काम चलते हैं, तो अमृत वेले का यह स्मृति का दिया हुआ तिलक सदैव कायम रखते चलो, तो यह सुहाग श्रृंगार
और योगीपन की निशानी सदैव अपने मस्तक से दिखाई दी। सुहाग, श्रृंगार और योगीपन, जैसे भक्तों का तिलक देख करके समझते हैं ये भक्त है, इस प्रकार आपकी स्मृति का तिलक भी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य, भक्तों को तिलक देख करके समझते हैं कि यह भक्त है, इस प्रकार आपकी स्मृति का तिलक भी इतना स्पष्ट दिखाई देगा जो झट महसूस करेंगे कि यह योगी तो आत्मा है। अपने आप को चेक करना। कई बार बाबा बोलते हैं ना कि अपने अंदर वो जो गुण है, वो जो शक्ति है, वो अंदर दिखाई, बाहर वालों को दिखाई पड़नी चाहिए। जैसे देखो ना कि समझ लो कि कुछ मतलब बहने हैं हमारे समर्पित है। भले ग्रुप में कहाँ पर भी मिक्स हो, लेकिन हम दूर से भी पहचान सकते हैं ये समर्पित बहन होगी। क्यों? उनकी चाल चलन से, उनके देखने के स्टाइल, उनके सब कुछ स्टाइल से। ऐसे स्वयं को भी चेक करना कि मेरे अंदर भी ये ऐसे जो रॉयल चलन है, जो रॉयल बाबा बोलते हैं ना कि सब कुछ रॉयल्टी हमारे अंदर आनी चाहिए, तो रॉयल्टी है क्या कि जो मुझे दूर से ही मुझे लोग बता रहे आप तो योगी तो आत्मा हो, अज्ञानी आत्मा या ज्ञानी तो बोलते अलग बात है, लेकिन अज्ञानी आत्माओं को भी अनुभव आना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें स्मृति का तिलक बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ा। तो तिलक, ताज और तख्त सभी कायम रखो। तिलक को मिटाओ नहीं। अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान को ताज व तख्त धारण करना भी आता, भी नहीं आता है तो क्या आता है? अरे इतने बड़े सर्वशक्तिवान है, राजा के बच्चे हो और ताज व तख्त धारण करना नहीं आता है। सदैव सिर्फ दो बातें कर्म करते हुए याद रखो, फिर ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी जो किसके मन में आए हुए संकल्प को भी कैच करेंगी और मुख से की हुई बात सरल रीति से कैच कर सकते हैं। वैसे मन के संकल्पों को सहज ही कैच करेंगे, लेकिन यह तब होगा जब समानता के नजदीक आएंगे। जैसे देखा ना ब्रह्मा बाबा को लास्ट में, कोई ब्रह्मा बाबा ऐसे सोते थे और कोई आते थे दरवाजे के अंदर आते थे तो बापा बताते थे कि आप इस कारण से यहाँ आए हो ना, माना मन के संकल्पों को कितना कैच कर जाते। यह तब होगा जब हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा। एक दो के स्वभाव में भी अगर कोई भी समानता होती है तो उनके भाव को सहज समझ सकते हैं। तो यह भी बाप के समानता के समीप से मन के संकल्पों को भी ऐसे ही कैच कर सकेंगे जैसे मुख द्वारा वाणी। मन के संकल्पों को भी ऐसे कैच कर सकेंगे जैसे मुख के द्वारा वाणी से बोलते हैं ना, ऐसे संकल्प भी कैच कर। इसके लिए सिर्फ अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए, संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। जैसे बाहर का कारोबार कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर किसमें कितनी होती है, इसमें कितनी होती है, ऐसे ही मन के संकल्पों की कारोबार को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर, वह भी नंबरवार है। देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि संकल्पों को कंट्रोल कैसे करना। कंट्रोल करना माना ऐसा नहीं कि उसको जीरो तक लाना है, नहीं, जब चाहे फुल स्टॉप लगा दे, जब चाहे विस्तार, जैसे कछुआ होता है ना, जब चाहे अपने
अगर चलना है तो पैर निकालेंगे, कुछ काम करेंगे, फिर पैर अंदर समाप्त। ऐसे हमें भी जब चाहे संकल्प को विस्तार में, जब चाहे फुल स्टॉप। तो ये भी क्या है कंट्रोलिंग पावर, लेकिन वो दो बातें कौन सी है? एक तो सदैव यही स्मृति में रखो कि हर समय हर सेकंड हर कर्म करते हुए मैं स्टेज पर हूँ। क्यों? क्योंकि स्टेज पर समझने से, हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आते जाएंगे। और दूसरी बात, सदैव अपने वर्तमान और भविष्य स्टेटस को स्मृति में रखो। अपने वर्तमान और भविष्य की स्टेटस, आजकल व्हाट्सएप में भी देखो कई लोगों को आदत होती है स्टेटस देखने की, स्टेटस चेंज करने की, हर दिन स्टेटस चेंज करते रहते। तो हमें भी क्या करना है, अपना वर्तमान और भविष्य के स्टेटस को स्मृति में रखो कि मैं क्या बनने वाला हूँ, देवता बनने वाला हूँ। अपने दैवी स्वराज्य, दैवी दुनिया को सामने रख। क्यों बताया? क्योंकि कई बार थोड़ा सा हम ब्राह्मणों में क्या होता है कि हम बाबा को याद तो करते हैं, लेकिन अपने राजधानी को याद नहीं करते, मतलब अपने देवी सी को याद नहीं करते। थोड़ा उनको भी याद करना चाहिए, क्योंकि हमें जाना तो आखिर अपने राज्य में ही जाना है, भले परमधाम में हमें थोड़ी देर तक बैठना है। कहने का भाव क्या है कि ऐसे भविष्य के स्टेटस को भी स्मृति में रखो। तो एक होता है स्टेज, दूसरी होती है स्टेटस। ये दोनों बातें सदैव स्मृति में रखने से कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो स्टेटस के विरुद्ध हो। साथ साथ स्टेज पर अपने को समझने से सदैव ऊंच कर्तव्य को करने की प्रेरणा मिलेगी कि मैं कौन सा कार्य करने जा रहा हूं। ये दो बातें स्मृति में रखो। अच्छा, आप लोग दूर से आए हो या बाप दादा दूर से आए, रफ्तार भले तेज है लेकिन दूर किसकी है? आप लोग सफर कर आए हो ना, बाप दादा भी सफर कर आए हैं, इसलिए दोनों ही सफर वाले हैं। सिर्फ आपके सफर में थकावट है और इस सफर में अथक है, क्योंकि बाबा को तो आने में कितनी देर लगती है, सेकंड से भी कम। बाबा कहते क्या है मेरे सफर में। मधुबन निवासी बनना यह भी ड्रामा के अंदर बहुत बहुत सौभाग्य की निशानी है। क्यों? क्योंकि मधुबन है वरदान भूमि। तो वरदान भूमि पर आए हो, वैसे वह भी मेहनत की भूमि है और यह है वरदान भूमि पर आकर। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, वरदान भूमि पर आकर वरदाता से वरदाता से वरदाता द्वारा, वरदाता से व वरदाता द्वारा निमित्त बनी हुई आत्माओं से जितना जो वरदान लेने चाहते वह ले सकते। बाबा ने आज खुली छुट्टी दी है, मन चाहे जो चाहे अपने मन का वरदान बाबा से लो या निमित्त बने हुए जो भी दादी या होगी उनके द्वारा लो। तो निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के से वरदान कैसे लेंगे, यह भी हिसाब जानते हो? मधुबन में वरदान मिलता है, वायुमंडल में पवित्र चरित्र भूमि में वरदान तो भरा हुआ है ना, लेकिन निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं से वरदान कैसे लेंगे? वरदान में मेहनत कम हो जाती है, जैसे मंदिर में बड़े यात्रियों, जैसे मंदिर में पंडे यात्रियों को वरदान दिलाने देवियों के सामने ले जाते हैं। तो क्या स्थूल में यात्रियों को करना पड़ता है कि ऐसे ऐसे लोग, आप भी पंडे हो ना, यात्रियों को वरदान कैसे दिलाएंगे? वरदान लेने का सहज साधन कौन सा है? श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा वरदान इसलिए मिलता है
जो निमित्त बने हुए होने के कारण उनको हर कर्म को देखकर सहज प्रेरणा मिलती है। जो कर्म कैसे करते उनको देख हमें भी प्रेरणा देती है। कोई भी चीज जब साकार में देखी जाती है तो जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। बुद्धि में ज्यादा सोचने की भी बात नहीं होती, क्योंकि सोचने से क्या होता है, फिर देरी से ग्रहण हो जाती है। यह भी साकार रूप में जिन्होंने साकार को देखा उनको याद करना सहज है, और बिंदी रूप को याद करना, देखो बाबा क्या बोलते हैं, साकार को याद करना सहज है, बिंदी को याद करना जरा मेहनत है। इसी रीति जो निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं है, उनकी सर्विस, उनका त्याग, उनका स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म करते हुए प्रैक्टिकल कर्म देखते हुए जो प्रेरणा मिलती है, वह वरदान रूप में सहज प्राप्त हो जाती है। इसलिए बाबा कई बार बोलते हैं ना कि ये अनुभवी जो रत्न है ना, जो बड़े महारथी, उनके अनुभव के बोल सुनो। ज्ञान अलग चीज है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कैसे धारण किया, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, इसको भी बाबा क्या बोलते हैं कि अनुभव। कर्म करते हुए कैसे उन्होंने कर्मयोगी का अनुभव किया, बाबा ने क्या कहा, वो वरदान के रूप में होते हैं। तो मधुबन वरदाता की भूमि में आकर हरेक श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा सहज कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करके ही जाना। क्योंकि आप लोग भी सिर्फ मुश्किल बात यही बताते हो कि कर्म करते हुए स्मृति में रहना मुश्किल है, तो जो निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों को धारणा में देखते हैं, तो सहज ही कर्मयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। कई बार होता है ना, अरे वो देखो इतना बड़ा व्यस्त है फिर भी वो कैसे अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है, तो बाबा कहते कि ऐसे निमित्त उन्हीं आत्माओं को देख भी बाकी सब सब ब्राह्मण आत्माओं के अंदर भी उमंग उत्साहता है। तो उन एक भी वरदान को छोड़कर नहीं जाना है, सर्व वरदान प्राप्त करते करते स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाएंगे। इतने सारे वरदान प्राप्त करेंगे तो बाबा ने क्या कहा कि आप भी क्या बनेंगे, सब मास्टर वरदाता बन जाएंगे। ये थी प्यारे बाबा की मुरली। अच्छा, हम भी रूहानी बच्चों को भी, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस। चलो, आज क्या कहा बाबा ने, ताज तक तिलक और तख्तनशीन बनने की विधि क्या क्या बताई बाबा ने, सभी एक एक पॉइंट बताना। ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने बताया कि जो भ्रकुटी का तुमको तख्त दिया है उसको कभी मत छोड़ना। तो भ्रकुटी के तख्त में बैठ के राजा बनकर रहोगे तो तुम्हारी जो कर्मेंद्रियां हैं वो कर्मचारी बनके तुम्हारा कहना मानेंगी।
और जब जी कर्मचारी कहना मानेंगे तो हमारे कर्म अच्छे होंगे, कर्म श्रेष्ठ होंगे, तो हम बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाएंगे, क्योंकि हम मीठे बन जाएंगे, संस्कार परिवर्तन हो जाएगा हमारा। ओम शांति। जी अंजू सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने तिलक लगाना और मिटाना दोनों ही काम के बारे में बताया, तो बाबा ने ये बोला कि ये दोनों काम साथ साथ हम करते हैं, जैसे स्थूल में तिलक लगाते हैं और रगड़ के मिटा देते हैं, तो हमें उसके ये हमारा सूक्ष्म में बाबा के ज्ञान के हिसाब से हमें स्मृति मतलब स्वमान में रहना, हमेशा स्वमान में रहना है, स्वमान का तिलक लगाना है, तो उससे बाबा की याद बनी रहेगी, तो हमें हमेशा याद रहेगा, सिर्फ अमृत वेले में लगा कर प्रैक्टिस करके और से फिर छोड़ नहीं देना, तो हमें बार बार कुछ कुछ टाइम बाद अपने सामान को वापस यूज़ करना है, तो याद भी बनी रहेगी और उस तिलक को दूसरी आत्माओं को भी महसूस होगा कि ये कोई योगी आत्मा है, अगर हम उस तिलक को हर टाइम ध्यान में रखेंगे तो। ओम शांति। बाबा ने जो बात कही ना, अमृत वेले या स्मृति का तिलक देना है, तो स्मृति के तिलक माना हमारा श्रृंगार हो गया। श्रृंगार कब किया जाता है? स्नान के बाद किया जाता है। स्नान कौन सा? ज्ञान का। और फिर उसके बाद श्रृंगार कौन सा? तिलक का। तिलक कौन सा? ताज तख्त और तिलकधारी आत्माओं। हाँ, ये वाला हमें तिलक अपने आप को देना है और फिर पूरे दिन भर उसका ध्यान भी रखना है, कभी हमारा श्रृंगार खराब ना हो जाए, है ना, क्योंकि फिर वो मिट जाएगा ना नहीं तो। और अश्वनी भाई बोलिए। ओम शांति जी। आज बाबा बोलते हैं कि मधुबन वरदान भूमि में जाते हैं तो हमें सभी श्रेष्ठ आत्माओं से वरदान लेके आना चाहिए, तो हम मास्टर वरदाता बन जाएंगे। लेके आना भी ठीक है, लेकिन बाबा ने कहा ना कि मधुबन भूमि है ही वरदानी भूमि। हाँ, वहां पर कितने सारे चैतन्य देवियां हम देखते हैं, फरिश्ते हम देखते हैं, जिनके अंदर का चरित्र साफ साफ दिखाई देता है, उनका व्यक्तित्व, उनके अंदर की गुणों की धारणा, हाँ, उनके चेहरे पर ही रूहानियत कितनी छलकती है। तो हम हर आत्मा वहां पर जितनी भी आत्माएं है ना, जब भी हम जाते हैं, सबसे हम कुछ ना कुछ लें, क्योंकि जब हम किसी को प्रैक्टिकल में वैसा करते हुए देखते हैं तो उसकी धारणा करना हमारे लिए क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। तो हम एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के भी इन वरदानों को धारण कर सकते हैं। अच्छा, मेन कौन सा वरदान बाबा ने आज हमें लेने के लिए कहा इसी के अंदर? मास्टर वरदाता जी। और बाबा ने कहा ना कि आपके लिए सबसे मुश्किल बात कौन सी कहते हैं आप? कौन सी कहते हैं मुश्किल बात? कि कर्म करते होगी नहीं पनपा, स्मृति में रहना मुश्किल है, तो ये वरदान लो पहले, है ना। और वहां तो सभी क्या होते हैं, कर्म करते वक्त भी बाबा की याद में होते हैं स्वतः, तो फिर ये वरदान हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो कल हम विशेष यही वरदान लेंगे, किससे? अमृत वेले हम बाबा से ही ले लेंगे ये वाला वरदान, सहज कर्म योगी का। अच्छा, राजेंद्र भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया यहाँ अगर बहुत समय का अभ्यास रहेगा ताज तिलक और तख्त धारण करने का, तो वहां आपको बहुत समय के लिए ताज तिलक और तख्त मिलेगा। अगर यहाँ कम समय का अभ्यास है तो वहां भी कम हो जाएगा। दूसरा, बाबा ने बताया कि अगर यहाँ दूसरों को देखने की आदत है तो वहां भी आपको दूसरों को ताज तिलक तख्त धारण करते हुए देखना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत समय के अभ्यास के ऊपर हमें अटेंशन देना है, ये बाबा ने हमें समझाया। ओम शांति जी। बहुत सुंदर। सदा ही हमें ताज तिलक और तख्त धारण करते हुए चलना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अनीता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आवाज आ रही है दीदी?
हाँ जी हाँ जी बोलिए। बाबा ने आज ये भी कहा है ना कि तुम्हें मतलब दो, एक तो स्टेज और एक स्टेटस, इन दोनों को स्मृति में रखना है। क्योंकि हर कर्म, जैसा कर्म करते भी हर समय सेकंड, हर कर्म करते हुए मैं स्टेज पर हूँ, तो जब हमारा कर्म पर अटेंशन रहेगा तो फिर हम संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। और स्टेटस को स्मृति में रखोगे तो फिर तुम्हारा कोई भी कर्म स्टेटस के विरुद्ध नहीं होगा। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। सदा स्मृति में रखो कि मैं हर समय हर सेकंड हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ, और फिर अपना स्टेटस भी कि मैं कौन हूँ। ज्योति सिस्टर बोलिए। जी, और ये दोनों बातें याद रखेंगे तो हमारी ऐसी स्थिति बन जाएंगी कि कोई भी हमारे सामने आएगा तो उनके संकल्पों को ऐसे कैच करेंगे जैसे उन्होंने पहले से मुख से कोई बात की है। तो ये बाबा के, ब्रह्मा बाबा के सामने ऐसे होता था, इतना सुंदर बाबा ने बताया आज। और वो स्टेज तभी आ सकेगी जब हमारे खुद के संकल्प में कुछ मिक्सचैरिटी नहीं होगी, हमारे में कंट्रोलिंग पावर रहेगी तभी। और दूसरी बात ये अच्छी लगी कि जब भी हम ताज और तख्त को छोड़ते हैं तो कर्मेंद्रिय ऑर्डर नहीं मानते, यानी हमें हमारे स्वमान के स्थिति पर स्थित रहना है हमेशा, तो ही ये सब बातें मानेंगी और फिर ही हमारे अंदर प्लेन संकल्प रहेंगे और हम दूसरों के संकल्प कैच कर पाएंगे और उसके प्रभाव में भी नहीं आएंगे। ये जी बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि दूसरों के संकल्पों को कैच करने के लिए हमें क्लीन एंड क्लियर बुद्धि रहना पड़ेगा ना। अगर हमारे खुद के अनेक संकल्प है तो फिर मिक्सचरिटी हो जाएगी। और वंदना सिस्टर बोलिए। हम खुद ही प्रभावित होते तो उसका मतलब ही नहीं रहता ना, अगर उसके प्रभाव में आते वो संकल्प के और हम कमजोरी में आते तो वो संकल्प कैच करके भी कुछ वो फायदा नहीं होता है। हमारी स्थिति इतनी हाई हो कि समान अवस्था जैसे ब्रह्मा बाबा का था। जी वंदना सिस्टर बोलिए। बाबा कहते हैं कि सदैव याद रखना है कि स्मृति में रखो, समय हर सेकंड कि हम स्टेज पर है, ये स्मृति में रहना। स्मृति रहे तो हम गलती नहीं कर सकते, उदाहरण हमें देख रहा है, हम करना है जो कर रहे हैं तो करना है। बाबा जैसे बाबा सुख और दुख की बातें बताते हैं ना, मैं एक स्वर्ग है और नरक है। हाँ, अगर हम अभी कहते हैं कि फलाना स्वर्ग में गया तो जरूर यहाँ पर नरक है ना, तो वैसे ही जैसे बाबा आज कह रहे हो कि ताज और तख्त, अगर ये टूटा तो हम कहाँ चले जाएंगे, माया के पास है ना, माया को टिकाना मिल जाएगा फिर। तो अगर हम अपने सीट पर सेट नहीं है, अगर हम ताजधारी नहीं है, तो फिर हम माया के आगोश में है। समझ लीजिए कि माया ने पूरी तरह से घेर लिया है और फिर हम पूरे तरह से जन्म माया को ठिकाना देकर कितने दुखी हुए हैं ना। तो बाबा हमें समझा रहे कि बच्चे इस चीज के अनुभव ही हो आप कि जब माया ने आपको घेर लिया तो आपकी हालत कैसी हो गई, फिर भी आप ये जानते हुए समझते हुए भी अपने ताज और तख्त को छोड़ देते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान होते हुए अपने ताज और तख्त को धारण नहीं कर सकते हो, फिर इसको क्या कहेंगे। तो जैसे ऐसा लग रहा था जैसे बाबा हमारा कान भी खींच रहा हो। अच्छा, और कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसको आप धारण करना चाहेंगे इस मुरली के अंदर। ओम शांति दीदी। जी सिस्टर बोलिए। बाबा कहते हैं कि जैसे कोई भक्त या श्रृंगार करने वाले जो नियम प्रमाण नहा धोकर अपने मस्तक पर तिलक जरूर लगाते हैं, तो ये तिलक बाबा कहते हैं कि कई तरह से लगाते हैं, जैसे के कारण लगाते हैं, भक्ति के कारण लगाते हैं,
और सुहाग के कारण भी तिलक लगाते हैं, क्योंकि जब सुहागिन स्त्री रहती है तो उनका टीका जरूर होता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही अमृत वेले तुम अपने को भी ज्ञान स्नान कराते हो और अपने को ज्ञान से सजाते हो, तो अमृत वेले ही यह स्मृति का तिलक जो है हम लगाए रहें और सारे दिन इसको भूलना नहीं है, इसे लगाए रखना है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। और आज बाबा ने एक चीज और हमें बताई है कि कौन सा चित्र सदा सामने रखना है। शांति दीदी। हाँ जी सिस्टर। ये भी चीज ध्यान में रखना है कि हमें अपना जो संपूर्ण चित्र है ना, बाबा ने कहा उसको सदैव याद रखो। कई बार बाबा अपने बच्चों को अपना संपूर्ण चित्र का चित्र खिंचवा कर कहते थे, आप बार बार इसको देखा करो तो आपको याद रहेगा कि आप क्या बनने वाले हो। जैसे कोई दुनिया में भी होता है ना, उसका कुछ लक्ष्य होता है तो पहले ही अपना चित्र बनवा के सामने रख लेता है और बार बार देखता है कि मैं ये बनने वाला हूँ। तो बाबा ने कहा जब आप ये तख्त और तख्त नशीन और ताज का जब आप चित्र रखेंगे तो आपको वो निशाना भी याद रहेगा और नशा भी रहेगा। तो बाबा ने कहा ऐसा अपने संपूर्ण चित्र सदैव याद रखो। ओम शांति दीदी। और अपना संपूर्ण चित्र जब सदैव सामने रखते हैं ना, तो जो दिन भर भिन्न भिन्न रंग के भिन्न भिन्न रूप के चित्र जो हमारी आंखों के सामने आते हैं फिर वो हाँ नहीं। वो नहीं आएंगे। हाँ ये खुशी भी रहेगी बाबा ने कहा। अनीता सिस्टर बोलिए। अनीता सिस्टर आप। हाँ जी जी दीदी, हम धारण करेंगे कि हम स्मृति का तिलक हमेशा धारण रखेंगे और बाबा के दिल तक तो नशीन बने रहेंगे। ओम शांति। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, अमृत वेले तीन तीन बिंदी का तिलक लगाओ, अमृत वेले विजय का तिलक लगाओ, वैसे ही एक तिलक हमेशा याद रखना, ताज तख्त और ताज और तख्त का ये जो तिलक है ना सदैव हम लगाएंगे अमृत वेले। अच्छा संजू सिस्टर आपको कुछ कहना है। जी जी बहन जी। ओम शांति जी। बोलिए। हमेशा अपने को स्टेज के ऊपर रहा हुआ सोचिए कि मैं स्टेज के ऊपर हूँ, सारा दुनिया मुझे देख रहा है, तो इससे अपना कर्म सुधरते जाएंगे। ओम शांति। बिल्कुल बाबा ये भी कहते हैं अपना ताज तक तक छोड़ देते। ओम शांति। में सुन रहे हैं। हाँ जी बोली। अपना ताज तक अगर छोड़ दिया तो कर्मेंद्रिया भी अपना कहना नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी, ये बोलते हैं बाबा। तो ताज तो कर्मेंद्रिया ताज पर तख्त पर नहीं है तो कौन अपना सुनेगा। है सर बाबा। बिल्कुल। तारा सिस्टर आप लास्ट पॉइंट शेयर करेंगे फिर हम होमवर्क की तरफ चलेंगे। जी। ओम शांति दीदी। तो मुझे अंडों को दो क्यों बोला है जी? ऐसे तो अनगिनत बार मिला है 21 जन्म के लिए 21 साल, लेकिन बाबा ने इधर एक क्वेश्चन बोला है ना कि शक्तियों को अनेक और पांडव को दो, इसका क्या मतलब हो सकता है? स्टार्टिंग में पूछा है बाबा। एक ही आत्मा के पास कितनी सारी शक्तियां होती है ना, तो हर शक्ति ताज के रूप में होती है ना, अथॉरिटी गाई जाती है ना हर शक्ति, अथॉरिटी को ही तो हम ताज के लिए बोलते हैं। जी। ओम शांति दीदी। मैं अपना शेयर कर सकूं? जी मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि हम अपना स्टेज और अपना स्टेटस को हरदम चेक करते रहे, कि हम जब अपने स्टेज पर होते हैं तो ऐसे महसूस करें कि सारा हमें देख रहे हैं, बाबा हमें देख रहा है, तो हमें अपने अपने बहुत ही गुड स्टेटस पर रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा रोल मुझे मिला है स्टेज पर एक्ट करने के लिए, और मेरा स्टेटस भी बहुत अच्छा ऐसा महसूस करना है कि मैं क्या बनने वाली हूँ, यही मेरा आज का मेनू है कि। ओम शांति दीदी। थैंक यू जी। अभी हमारा समय हो गया है। वैसे ये जो बाबा ने नहीं कहा अनगिनत ताज, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, किसी ने आंसर किया होगा ना अनगिनत ताज। हाँ अनगिनत बार मिला। तो अभिजीत भाई जी आप होमवर्क देंगे।
भाई जी आप होमवर्क देंगे? अच्छा तो हम यही होमवर्क लेते हैं। एक तो मन के जो संकल्प है उनको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोलिंग पावर का यूज करेंगे, अमृत वेले तिलक लेंगे और पूरा दिन इसी स्वमान पर रहेंगे कि मैं हर समय हर सेकंड हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूं। तो इससे हमारा हर कर्म विशेष होगा ना, और एक वरदान सहज कर्म योगी बनने का ये अमृत वेले ही हम बाबा से ले लेंगे। तो कल अपना भविष्य स्वरूप का चित्र जो तिलक ताज और तख्त धारी है वो हम अपनी आंखों के सामने हर पल रखेंगे, ताकि जब भी हम कुछ कर्म करें तो हमारे कर्म उसी अकॉर्डिंग हो, जिससे नशा भी रहेगा और लक्ष्य की स्मृति भी रहेगी। तो पूरा दिन ताज और तख्तधारी बनकर रहना है, अमृत वेले तिलक बाबा से लेना है। तो अभी हम 2 मिनट याद करते हैं हम बाबा को, फिर हम दीदी ये ग्रुप का 2 भाग में विभाजित होता है, होना है 2 पार्ट। हाँ जी, 2 पार्ट में विभाजित करने वाले हैं ये ग्रुप का। भाई जी बताएंगे ये बात ना। एक्चुअली जो ग्रुप है ना व्यक्त मुरली का ग्रुप, शायद ये रिमूव हो रहा है, बाकी जब भाई जी आपके सामने अवेलेबल हो तब आप उनसे पूछ सकते हैं, अभी शायद बिजी हैं। तो अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। हाँ तो चले 1 मिनट के लिए हम वतन में बाबा के पास। सॉरी ओम शांति सिस्टर, ये ग्रुप बंद हो रहा है मतलब समझानी में? कल बताएं हम आपको। जी 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 ओके जी, शुक्रिया। ठीक है, 1 मिनट चलते हैं। तख्त नशीन होकर मैं आत्मा बिंदु रूप बनकर लाइट के शरीर में सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सन्मुख बैठी हूं। देखे सामने बापा को, बिन कुछ कहे बाबा मुझ आत्मा को तिलक दे रहे हैं। वर्तमान स्वरूप का और मेरे भविष्य स्वरूप का विश्व की सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहना रहे हैं। और मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे वरदान दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे
सहज कर्म योगी भव। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप भव। अपने आप में सर्व शक्तियों का अनुभव भी हो रहा है। बाबा से वरदान लेकर रूहानी स्नेह भरी दृष्टि बाबा से लेकर मैं आत्मा वापस नीचे आ रही हूँ। इसी स्मृति के साथ कि मैं अकाल तख्त नशीन सो भविष्य राज्य तख्त नशीन आत्मा हूँ। ओम शांति।